अंतर नवंबर प्रगति पर मठाना की ओर से दौलत तो दौलत अगली गेंद ओवर गेंद सामना करेंगे अजय काफी बड़ा झटका है कोटा के लिए और अब अगर इसी तरह की गेंदबाजी करते हैं मैठाना तो रोक भी सकते हैं और अगर कोटा को जीतना तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ पर आप गए हैं नीरज कोटा की ओर से नीरज सजवाल नौ ओवर करते हुए मैठाना की ओर से और सामना करेंगे नीरज कोटा की ओर से फिर से अच्छी गेंद यहाँ पर दौलत द्वारा अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अभी तक दौलत द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी गेंद सामना करेंगे नीरज सजवाल और ऑफिसन के काफी बाहर इसी व्हाइट के साथ बढ़ता हुआ इसको 82 रन कोटा का 2 विकेट के नुकसान पर तो नीरज फिर से तैयार है फिर से बॉल आपकी लेफ्ट साइड के काफी बाहर और व्हाइट का इशारा नया ओवर प्रगति पर यहाँ पर दौलत मैठाना की ओर से और नीरज तैयार दौलत तैयार दौलत ओवर द विकेट सामना करेंगे नीरज कोटा की ओर से अच्छी गेंद यहाँ पर दौलत द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अभी तक इस ओवर में 3 अतिरिक्त के उन्होंने खर्च किए लेकिन काफी अच्छी गेंद भी निकाली यहाँ पर दौलत द्वारा तो दौलत फिर से ओवर द विकेट सामना करेंगे नीरज फिर से अच्छी गेंद यहाँ पर और उनका का इशारा 6 रन का और 90 रन कोटा का 2 विकेट के नुकसान पर तो दौलत अच्छी गेंदबाजी करे तो अच्छी गेंद फिर से दौलत द्वारा अगर छक्का न खाते तो शायद 6 गेंदे 7 रन। आज मौसम काफी ठंडा और थापला का मैच होगा कल हो सकता है कल शंभू भाई और नीरज सजवान दोनों बल्लेबाजी पे अभी एक छक्के से मैच खत्म रोहन इस मैच में अंतिम के लिए जाना जाता है फील्ड छक्के और चौके के लिए अगली गेंद 10 ओवर अच्छी गेंद यहाँ पर फिर से उठा दिया बाउंड्री की तरफ जाती गेंद सीधा 6 रन के लिए इसी 6 रन के साथ बनता है स्कोर कोटा का 95 रन 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर मात्र 1 रन की आवश्यकता है यहाँ पर कोटा को यहाँ पर कोटा को फाइनल में जाने के लिए और 5 गेंदें निकालनी होगी यहाँ पर मैठाना को अगर टाई करना है तो अच्छी गेंद और फिर नया अच्छा सेट यहाँ पर फिर से 6 रन के लिए उठा दिया गेंद को बाउंड्री के बाद इसी के साथ ही कोटा सेमीफाइनल का मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश करती हुई पहली टीम।